स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात गांधी जी ने उस दौर में कही थी जब हमारा देश अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। आप उनके समर्थक, आलोचक या विरोधी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप भी गांधी जी की इस बात से सहमति तो ज़रूर रखते होंगे। तो अगर गांधी जी के नज़रिए से स्वच्छता को देखा जाए तो उनका मकसद महज अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने तक नहीं था, बल्कि वो छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात जैसी कुरीतियों को भी जड़ से हटाना चाहते थे जिनसे हमारा देश कई सदियों से जूझ रहा है। तो अगर मैं इस बात पे थोड़ा और रोशनी डालने की कोशिश करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दौर से लेके आज तक जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो सभी समाज के एक ही तबके से आते हैं, जिन्हें आप और हम दलित समुदाय के नाम से जानते हैं। एक तरफ जहां हमारा देश बुलेट ट्रेन के सपने सच कर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं कहीं ना कहीं समाज की ऐसी दरिंदगियों से भी गुजर रहा है। दरिंदगियों का आलम कुछ यूं है कि हमारे देश में आज भी सीवर के अंदर जाकर साफ सफाई को अंजाम देना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर जाकर साफ सफाई करते हैं और उसके हालात कुछ इतने खराब हैं जिनकी शायद आप और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज गांधी जयंती है और आज ही के दिन 4 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान लाया गया था, तो आज आप तमाम नेताओं को सड़कों पर हाथों में ग्लव्स पहने, मुंह पे मास्क लगाए सफाई प्रदर्शन करते देख सकेंगे, जिनकी तस्वीरें अखबारों से लेकर इंटरनेट तक खूब शेयर भी की जाएंगी और बहुत सुर्खियां भी बटोरेंगी। आपको शायद जानकर यह हैरानी होगी कि इन्हीं तमाम नेताओं ने 530 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत अभियान के इश्तेहारों पे महज 3 साल में फूंक डाले हैं, और वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता के इतने बड़े पहलू को नज़रअंदाज कर इनकी तस्वीर मुस्कुराते हुए आपको इन्हीं इश्तेहारों में दिखाई देंगी। ये अपने आप में एक विडंबना से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने आधुनिक उपकरण और मशीन्स बनाई हैं जिससे उनके देशवासियों को इस स्थिति का सामना ना करना पड़े, और क्योंकि हमारा देश सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तो हमारे लिए ऐसे उपकरण और मशीन्स को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम समाज के इस सच को बस सदियों से इसलिए नज़रअंदाज करते आए हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों की मौजूदगी है जो किसी न किसी मजबूरी के कारण ऐसे काम को करने के लिए तैयार है, पर उनको शायद ये नहीं पता है कि जिस अंधकार की कमाई से उनकी रातें थोड़ी सी ही सही पर जगमगाती हुई नज़र आती थी वो शायद उनकी ज़िंदगी का सूरज ले जाएगी। हाल ही में एक खबर आई थी कि हर 5 दिन में किसी न किसी सूरज की रोशनी उस अंधकार में अपनी दम तोड़ देती है। अब ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, ऐसे ही न जाने कितने बच्चे होंगे जिनकी सपने हकीकत में तब्दील होने से पहले ही उनके पिता की तरह दम तोड़ गए। वैसे अभी फिलहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो पास किया है कि जो भी व्यक्ति मैनुअल स्क्रेवेंजिंग के दौरान अपनी जान गवाएगा उसके परिवार को 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। तो शायद जब अगली बार वो व्यक्ति उस सीवर में काम करने लौटेगा तो उसके मन में शायद यही ख्याल आएगा, मेरा वक्त अब बदलने वाला है, खुदा मेरी सारी मुसीबतों का अब हल करने वाला है, अब गम के बादलों की बारिश मेरे परिवार की पक्की छत के ऊपर से गुजर नहीं पाएगी, अब यकीनन मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी तो आसानी से नसीब हो जाएगी, वो मेरा मेरे बेटे से नई साइकिल का किया हुआ वादा अब पूरा हो जाएगा, अगले साल मेरा परिवार भी नए कपड़े पहनकर दिवाली मनाएगा, अब वो हर सुबह की तरह मेरा बेटा छोटू बनकर चाय बेचने नहीं जाएगा बल्कि अब वो साक्षरता की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएगा, यकीनन मुकम्मल हो जाएंगे मेरे वो सारे ख्वाब जिन्हें संजोए रखा है एक ज़माने से, मिल जाएगा मुआवजा जब मेरे परिवार को एक दिन मेरे घर लौट कर ना आने से।